अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज नासिर फ्रॉम एफईआई। दिस क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 पास्ट रॉयलिस्ट्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड लेक्चर नंबर 2। लेट स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक। जैसा कि आपने पिछली बार पढ़ा था कि किस तरह से अलग अलग जो नोमैडिक कम्युनिटीज है इंडिया में रहती है, जिसमें हमने माउंटेन्स में रहने वाले जो नोमैड्स है उनके बारे में बात की थी, जिसमें गुजर बकरवाल वगैरह जो थे और हिमाचल प्रदेश में रहने वाले जो अलग अलग कम्युनिटीज थी। इसके अलावा सिक्किम, वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड वगैरह में जो कम्युनिटीज रहती थी। इसके अलावा हमने जो प्लेटूज में रहने वाली कम्युनिटीज की बात की थी, जिसमें ढांगर्स, गोलाज वगैरह की बात की थी। इसके अलावा जो प्लेन्स में ढांगर्स वगैरह की बात की थी। अब हम डेजर्ट्स के तरफ जाएंगे जो राजस्थान में है, तो वहाँ पे भी एक नोमैडिक कम्युनिटी रहती है जिनको रायकाज कहते हैं, रबारी भी कहते हैं उनको। 1947 से पहले जब इंडिया और पाकिस्तान एक साथ थे, तो उस वक्त ये लोग सिंध उस वक्त तो सिंध के पास भी जाते थे, दरियाई सिंध जिसको आज इंडस बोलते हैं, तो वहाँ पे भी अपने जानवरों को चराते थे। लेकिन पार्टीशन के बाद सिंध का इलाका पाकिस्तान के अंडर में आया, तो बॉर्डर होने की वजह से अब ये जो लोग थे वहाँ पे नहीं जा पाए। तो उसके बाद उन्होंने अपना थोड़ा सा जो मूवमेंट था उसको चेंज किया। अगर हम बात करें रायकाज की, तो रायकाज अलग अलग जो जानवर पालते हैं, जिसमें ऊंट, शीप, गोट्स वगैरह आते हैं, या इसके अलावा जो बीफ वाले जानवर है, जैसे कि बफेलोज, या हम कह सकते हैं ये जो होते हैं गाय वगैरह, तो उनको भी पालते हैं। लेकिन इसके लिए ये माइग्रेट करते हैं, ये साथ साथ में दो काम करते हैं, एक तो नोमैडिक लाइफ जैसे पास्टोरलिस्ट्स का काम करते हैं ये, और दूसरा कल्टीवेशन भी साथ साथ में करते हैं। तो आप सभी को पता है कि राजस्थान में जो क्लाइमेट है काफी हार्श होता है, तो ये लोग क्या करते हैं, अक्सर जो लोग इनमें से बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर वगैरह में रहते हैं, तो वो मानसून में अपने घरों में ही रहते हैं, क्योंकि मानसून में उनके पास कल्टीवेशन करने का भी मौका होता है, और दूसरा वहाँ पे पास्चर्स भी अवेलेबल होते हैं उनके जानवरों के लिए। लेकिन उसके बाद अक्टूबर में ये क्या करते हैं, जब एग्जॉस्ट होते हैं उनके जो ग्रेजिंग ग्राउंड वगैरह, उसके बाद मूव करते हैं टूवर्ड्स ये हरियाणा वगैरह। तो हरियाणा में भी उस वक्त जो लोग होते हैं उन्होंने जो हार्वेस्ट वगैरह किया होता है धान वगैरह की खेत, तो वहाँ पे ये वो सैपलिंग वगैरह, या हम कह सकते हैं वहाँ पे जो स्टेबल वगैरह बचता है उसको वो जानवर खाते हैं, और साथ साथ में उस लैंड को ये मैन्यूर्स वगैरह इन जानवरों के जरिए दिलाते हैं, जिसमें जिससे कि वहाँ के जो विलेजर्स वगैरह है वो भी खुश होते हैं, क्योंकि उनके जमीन जो है वो ताकतवर बन जाती है, फर्टाइल बन जाती है। उसके बाद ये वापस घर आते हैं, और फिर उसके बाद अगले मानसून खत्म होने के बाद फिर वापस हरियाणा वगैरह जाते हैं। अगर हम बात करें रायकाज की, और जैसे मैंने पहले कहा कि ये अक्सर मानसून में ही घरों में रहते हैं, लेकिन इनकी दो किस्में हैं। यहाँ पे ये तस्वीर मैंने दिखाई है, जो तस्वीरें हैं ये रायकाज की है, तो इस तरह से वो अपना पोशाक वगैरह पहनते हैं। साथ में यहाँ पे आप देख रहे हो कैमल वगैरह को भी हर्ड कराते हैं, और साथ साथ में बॉमिन एनिमल्स को भी। इसके अलावा अगर हम मारू रायकाज की बात करें, ये जो मारू रायकाज है ये थार डेजर्ट के पास जैसलमेर राजस्थान में रहते हैं, और जिन जगहों पे ये रहते हैं, जिन जो इनके घर वगैरह होते हैं उनको धांडी बोलते हैं। तो ये अक्सर जो कैमल होते हैं, इसके अलावा शीप और गोट को पालते हैं। तो ये जो मारू रायकाज है, इनको अपनी हिस्ट्री वगैरह के बारे में ज्यादा पता होता है, अपनी इनकी कम्युनिटी में जो जेनोलॉजिस्ट होते हैं, जेनोलॉजिस्ट उनको बोलते हैं, जो कि अपनी हिस्ट्री को याद रखते हैं और लोगों को ऑरली बताते रहते हैं। तो ऑरल ट्रेडिशंस है इनके पास, इनको सब कुछ अपनी हम कह सकते हैं अपनी कम्युनिटी की हिस्ट्री वगैरह पता होती है। इसके अलावा अगर हम इन मारा रायकाज की बात करें, तो ये हार्श क्लाइमेट में रहते हैं, तो वहाँ पे ये ऊंट वगैरह जो पालते हैं, तो ऊंट आप सबको पता है जो कैमल होते हैं, शिप ऑफ द डेजर्ट भी उनको कहते हैं, तो उस हार्श क्लाइमेट में वो आसानी से रह जाते हैं या रहते हैं। इसके अलावा कैमल फेयर्स भी होते हैं, जो फेस्टिवल्स वगैरह वहाँ पे लगते हैं, जिसमें
लोग कैमल्स को बेचने और खरीदने के लिए जाते हैं। इसके अलावा राजस्थान से लाए जाने वाले हॉर्सेस वगैरह की भी सेल होती है उन फेयर्स में। तो ये काफी वहाँ पे बहुत बड़ा मेला जैसा होता है, जिसमें अलग अलग जगहों से लोग वहाँ पे अपने कैमल्स को खरीदने और बेचने के लिए आते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूटेड टू द मूवमेंट ऑफ पास्टोरलिस्ट्स। अगर हम बात करें, ये जो पास्टोरलिस्ट्स होते हैं, इनको पता होता है कि हमें किस मौसम में किस वक्त मूव करना है। इनको अपनी टाइमिंग वगैरह का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि इनको ये इंश्योर करना पड़ता है कि इनके जानवरों के लिए जो पास्चर लैंड मतलब अवेलेबल होगी तो किस जगह पे अवेलेबल होगी और किस टाइम पे होगी। इनको इस टाइम मूवमेंट के बारे में बहुत कुछ पता भी होता है और पता रखना भी पड़ता है, क्योंकि जैसे हमने बात की, जो गुजर बकरवाल हमारे जम्मू कश्मीर में है, वो किस तरह से लोअर शिवालिक में विंटर गुजारते हैं और अपर माउंटेन्स में समर गुजारते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो कस्टमरी राइट्स वगैरह है इन लोगों की का या ट्रेडिशंस वगैरह, तो इन्होंने काफी अच्छी रिलेशंस बनाई होती है फार्मर्स के साथ, क्योंकि जब ये सफर पे निकलते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जब इनको पता होता है एक जगह पे हमारे जो पास्चर्स वगैरह वो खत्म हो गए हैं तो हमें दूसरी जगह मूव करना है, तो रास्ते में फार्मर्स के साथ इनके रिलेशंस होने बहुत जरूरी है, क्योंकि रास्ते में इनके एनिमल्स को ग्रेज कराने के लिए जो हार्वेस्टेड फील्ड्स वगैरह अवेलेबल होते हैं उन जगहों पे ये मैन्योर्स वगैरह जो इनके जानवर करते हैं उससे किसानों को भी फायदा मिलता है, और साथ साथ में ये भी अपने जानवरों को ग्रेज कराते हैं, इनको भी दूसरी तरफ फायदा मिलता है। इस दौरान ये अलग अलग काम भी करते हैं। ये जो नोमैडिक लाइफ गुजारने वाले होते हैं, पास्टोरलिस्ट्स होते हैं, जैसे हमने राइकास की बात की, जिस तरह से हमने पिछली बार डांगर्स की बात की कि वो साथ साथ में कल्टीवेशन भी करते हैं, जिस तरह से हमने बात की थी ट्रेड भी साथ साथ में करते हैं, ब्लैंकेट्स वगैरह बनाते हैं या अलग अलग चीजें बनाते हैं। इसके अलावा अपने जानवरों को भी पालते हैं, क्योंकि इनके जानवर जो होते हैं काफी ज्यादा जो मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह वो देते हैं, उनको बेचने भी ये जाते हैं मार्केट्स वगैरह में। इसके साथ साथ अपने जानवरों को उसके बाद बेचते भी है, जिससे इनकी इकोनॉमी में ज्यादा इजाफा होता है। तो अब यहाँ पे हमारा जो मेन टॉपिक है, जैसे कि हमने पिछली बार भी बात की थी कि कॉलोनियल रूल से क्या असर पड़ा इनकी जिंदगी पर। अगर हम यहाँ पे बात करें, बहुत सारे लॉज टाइम टू टाइम जो कॉलोनियल गवर्नमेंट्स वगैरह थी उन्होंने बनाए, क्योंकि अगर हम बात करें, जैसे पिछली बार भी हमने बात की थी, जब 19th सेंचुरी के दौरान जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, इसी तरह से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी अलग अलग जो कॉलोनियल मास्टर्स थे वो रूल कर रहे थे वेस्टर्न कंट्रीज के, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ये जो ग्रेजिंग लैंड्स वगैरह है ये वेस्ट लैंड्स है, हमें इनको टिल करके एग्रीकल्चर फील्ड्स में तब्दील करना पड़ेगा, जिससे हमें फायदा मिलेगा। फायदा ये मिलेगा अगर हम इन पास्चर लैंड्स के बदले वहां पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कराएंगे, तो एक तो हमें रेवेन्यू जनरेट होगा वहां से, और दूसरा कैश क्रॉप्स वगैरह हम वहां पे मतलब सो वगैरह कर सकते हैं या कल्टीवेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वेस्ट लैंड्स है ये किसी फायदे के नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें, ये पास्चर लैंड्स किनकी जागीर थी, ये जागीर थी पास्टोरलिस्ट्स की, नोमैड्स की, जो अपने जानवरों को चराते। वेस्टलैंड रूल्स एंड फॉरेस्ट एक्ट्स, जैसे कि हमने पिछली अभी बात कर रहे थे कि जो ब्रिटिशर्स वगैरह थे वो समझते थे कि ये जो पास्चर लैंड्स है ये वेस्ट लैंड्स है, इससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, इसको हमें एग्रीकल्चर फील्ड में चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने क्या किया, बहुत सारी जो ट्राइबल कम्युनिटीज थी उनको इन्होंने कन्विंस किया और फोर्सिबली इनको एनकरेज किया कि आप एक जगह पे सेटल हो जाए, और उसके बाद उन्होंने कुछ लोगों को उनमें से हेडमैन बनाया उन गांव का। उसके बाद वहां पे लोग जो थे वो अब काश्तकारी करने लगे, कल्टीवेशन करने लगे अलग अलग क्रॉप्स की। उसके बाद वहां पे उन लोगों को अब रेवेन्यू वगैरह देना पड़ा। इसके अलावा जो
जो जंगल वगैरह थे वहां पे इनकी एंट्री को रोका गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स वगैरह का मानना था कि ये जो जंगल है वहां पे जो नए नए छोटे छोटे पेड़ उगते हैं उनको ये जानवर खाते हैं, इसलिए इन सैपलिंग्स वगैरह को बचाने के लिए हमें इन मतलब पास्टोरलिस्ट्स को, नोमैड्स को जंगल में एंट्री नहीं देनी चाहिए। जैसे हमने पिछली बार भी बात की थी पिछले चैप्टर में, जो इंडिया में साल और टीक फॉरेस्ट थे इसके लिए जो, या देवदार वगैरह जिसको काफी ज्यादा कमर्शियल वैल्यू था, क्योंकि इन लकड़ियों को वो शिप बिल्डिंग और रेलवे स्लीपर्स के लिए इस्तेमाल करते थे। इसके लिए ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे रिजर्व फॉरेस्ट बनाए या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बनाए। तो रिजर्व फॉरेस्ट में किसी भी पास्टल कम्युनिटी को अब इजाजत नहीं थी घुसने की। इसके अलावा जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट थे, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में भी रेस्ट्रिक्शंस थी, वहां पे वही पास्टल कम्युनिटीज जा सकती थी जिनके पास परमिट होता जो उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी। वरना अगर कोई भी पास्टल कम्युनिटी वाले ऐसे ही किसी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वगैरह में एंटर होते तो उनके ऊपर काफी ज्यादा फाइन्स वगैरह लगते थे, और उसके अलावा काफी ज्यादा ह्यूमिलेशन और कभी कभी उनके साथ मारपीट भी होती थी। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने क्या किया, अगर हम बात करें वो चाहते थे कि एक हम सेटल्ड कम्युनिटी पे रूल करें, क्योंकि ये जो पास्टोरलिस्ट्स होते थे मैंने पहले भी कहा था ये नोमैडिक लाइफ गुजारते थे, ये अलग अलग जगहों पे जाकर अपने जानवरों को पास्चराइज कराते थे या ग्रेज कराते थे। तो इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, 1871 में उन्होंने एक एक्ट पास किया, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। इस एक्ट के तहत जो कम्युनिटीज या क्राफ्ट्समैन ट्रेडर्स वगैरह जो मतलब ये पास्टोरलिस्ट वगैरह थे इनको क्लासिफाई किया गया क्रिमिनल ट्राइब्स, क्योंकि ये एक ही जगह पे सेटल नहीं होते थे। और इसके लिए अगर हम बात करें ये जो पास्टोरलिस्ट वगैरह थे ये कभी टैक्सेस भी नहीं देते थे, या फिर एक जगह पे कल्टीवेशन भी नहीं करते थे, उसकी वजह से रेवेन्यू भी नहीं दे पाते थे। तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्रिमिनल्स इनको मतलब कहा, उसके बाद बहुत सारे लोगों के साथ यहाँ पे नाइंसाफी हुई, बहुत सारे जो इनमें से लोग थे उनको मजबूरन अपना काम छोड़ना पड़ा और एक ही जगह पे सेटल होना पड़ा, और अपना काम या कुछ मतलब लोगों ने अपना काम ही छोड़ दिया। इसके अलावा जो पुलिस वगैरह, विलेज पुलिस वगैरह थी, इनके ऊपर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट वॉच रखते थे ताकि ये लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं तो कहीं इनमें से किसी ने टैक्स वगैरह, तो यहाँ पे अगर हम बात करें टैक्स वगैरह चोरी तो नहीं की या टैक्सेस देने से इनकार तो नहीं किया, इसके लिए भी काफी ज्यादा इनके साथ मतलब ज्यादती होती थी। और फिर फाइनली अगर हम देखें इम्पोजिशन ऑफ ग्रेजिंग टैक्सेस, तो जो भी ग्रेजिंग लैंड सब बचे थे 19th मिड 19th सेंचुरी में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास्टोरल लैंड्स ऑफ इंडिया में मतलब जो एक्ट्स बनाए उसमें उन्होंने कहा कि जो भी पास्टोरल कम्युनिटीज जानवर पालती है तो उनको जो जितने उनके उनके पास कैटल होंगे पर हेड उसी हिसाब से उनको टैक्सेस देने पड़ेंगे। 1850s और 1880s में ये जो राइट टू कलेक्ट टैक्स था इन पास्टोरलिस्ट से ये कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया गया जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते थे। तो वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स या कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते थे, वो ज्यादा टैक्सेस लेते थे इन पास्टोरल कम्युनिटीज से, जितना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तय किया था उससे भी ज्यादा ये लेते थे ताकि इनकी ज्यादा कमाई हो, ज्यादा प्रॉफिट हो। लेकिन बाय 1880s उसके बाद 1880s के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खुद इनसे टैक्स लेना शुरू कर दिया पास्टोरलिस्ट से डायरेक्टली। उसके बाद इनको एक पास दिया जाता था जिसके तहत ये जो ग्रेजिंग लैंड्स वगैरह थे उनमें जा सकते थे, अपने जानवरों को वहां पे ग्रेज करा सकते थे। अगर कोई टैक्स वगैरह नहीं देता था, उसके पास पास नहीं रहता था, तो उसको काफी ज्यादा हम कह सकते हैं सजा वगैरह मिलती थी, उसके बाद फाइन्स वगैरह होते थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। तो अगले टॉपिक तक स्टे सेफ, फी अमानिल्लाह।